असलम रियर लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विद रेफरेंस टू ऑनटरप्रनोरशिप इस वीडियो का एजेंडा यह है कि हम जो प्रोसेस का लास्ट पार्ट है दैट इज दल्युएशन एंड कंट्रोल हम उसके बारे में बात कर सकें इफ यू लुक एट योर स्क्रीन्स हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस की जिसमें हम शुरू हुए थे कि अगर आपके पास आपका कोई बिजनेस चाहे वो स्टार्टअप है यानी आप अभी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं अभी आपके पास आइडिया है या बिजनेस शुरू कर चुके हैं या आप जो है उसको ग्रोथ स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं या एक लार्ज फॉर्म के तौर पे उसको कहीं रजिस्टर करना चाह रहे हैं आपके पास आपका विजन आपका मिशन आपका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आपका विजन और मिशन बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी अपनी और वेंचर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और प्लस जिस एनवायरमेंट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं और फिर हमने आपको ये बताया था कि इसी प्लानिंग प्रोसेस में आप एक्चुअली में वाइल कीपिंग इन योर माइंड आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस प्लस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आप अपने गोल्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स अपने डिसाइड करते हैं और फिर उन गोल्स के लिए जो अप्रोप्रिएट स्ट्रैटजी है वो अप्रोपरीट स्ट्रैटजी आप अडॉप्ट करते हैं आपसे हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस भी डिस्कस की थी और फिर उसके बाद आ जाती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज यानी आप जब उन स्ट्रेटजीज को बाकायदा एग्जीक्यूट कर रहे होंगे ऑपरेशनलाइज कर रहे होंगे ऑपरेशनलाइजेशन के दौरान जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है आपका रिव्यू एंड एवेलुएशन यानी ऐसा नहीं है कि बस आपने अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर दिया है अगर आप इस प्रोसेस को देखें तो बार बार एरोज वापस आ रहे हैं कहीं भी कोई भी कमी किसी भी जगह पे कोई आपका गोल अचीव नहीं हो रहा आपका बिजनेस आपकी सेल्स ग्रोथ आपकी प्रोडक्शन आपकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिजाइन कोई भी चीज जो आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं चल रहे हैं या आपकी पॉलिसी जो है या आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो आपके प्लान के मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं दे रही है तो आप उसको इवेलुएट कर रहे होंगे और बार बार रीविजिट कर रहे होंगे कि प्रॉब्लम कहां पर है और इस रीविजिटिंग को ही बेसिकली स्ट्रेटजी इवेलुएशन एंड कंट्रोल कहा जाता है मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ही ली है आप कहते हैं कि आप प्योर डिफ्रेंसिएशन में जाना चाहते हैं आप सोचते हैं कि नहीं आप कॉस्ट इनोवेशन पे जाना चाहते हैं आप देखना यह चाहते हैं कि आप मार्केट में लीडर नहीं मार्केट के अंदर जो बस ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना वट एवर स्ट्रेटजी यू हैव अडोप्टेड फॉर योर बिजनेस फॉर योर वेंचर उस स्ट्रेटजी को बार बार री करने की जरूरत है और रीविजिट करने के लिए अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपसे एक छोटी सी चेकलिस्ट शेयर करना चाहें फॉर एग्जाम्पल अगर आप सबसे पहले देखना चाहें कि आपने कोई स्ट्रेटजी री एवेलुएट रिविजिट करनी है ऐसी स्ट्रेटी जो आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रही है तो आप किन स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज के ऊपर उसको रिविजिट कर सकते हैं सबसे पहली बात तो आ जाती है कंसिस्टेंसी यानी आपकी जो भी स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट की है चाहे आप कॉस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस हैं चाहे आप प्रोडक्ट डिजाइन पे ज्यादा फोकस हैं चाहे आप मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने में ज्यादा फोकस हैं वट एवर द स्ट्रेटी आर गोइंग टू अडॉप्ट कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपके गोल्स आपके मिशन आपके ऑब्जेक्टिव के साथ आपने जो भी पॉलिसी बनाई है इन सबको अलाइंट होना चाहिए यानी फॉर एग्जाम्पल बहुत दफा ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि हम एक प्रोडक्ट जो है मार्केट में लेकर आएंगे प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत अच्छा होगा क्वालिटी कम्पैटिटर से बेहतर होगी और प्राइस हम कंपेटिटर से लो ऑफर करेंगे ये सारा कुछ आपने जहन में रखा उसके बाद आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया जब आप मार्केट में लेके गए तो आपको ये मालूम होता है कि इस एक सर्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड जो आपने अपना प्रोडक्ट का रखा है इस एक सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को मैंटेन करने के लिए कॉस्ट एक्चुअली में थोड़ी ज्यादा आ रही है सो जो प्राइस आपने आपनेस की थी या जो प्राइस आपने डिसाइड की थी वो प्राइस कम अज कम आप अपने कस्टमर को ऑफर करके एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमा पा रहे हैं यानी आपके जहन में था कि अगर आप इस एक सर्टन क्वालिटी के साथ एक सर्टन प्राइस ऑफर करेंगे और प्राइस कंपेटिव हो गई या कंपेटिव से कम हो गई तो कुछ एक अरसे के बाद आपके लिए उसी प्राइस के ऊपर उस प्रोडक्ट क्वालिटी को ऑफर करना मुश्किल हो रहा होगा तो क्या आपका एक डिसीजन दूसरे से दूसरा डिसीजन तीसरे से आपका जो प्रोडक्शन है आपकी प्राइस के साथ और आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स के साथ एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है आपको ये बार बार रिविजिट करना पड़ेगा और हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज भी करें फिर बात आ जाती है कि हम बात कर रहे हैं कंसोनेंस uh, की कंसोनेंस का मतलब क्या है कंसोनेंस का मतलब यह है कि आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है तो आप उस स्ट्रैटेजी के साथ साथ क्योंकि अगेन हमने आपको यह बताया था कि आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर आपका बिजनेस वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा सो so मार्केट में बहुत कुछ हो रहा होता है कस्टमर डिमांड्स चेंज हो रही होती हैं कंपेटिटर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स चेंज कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हो रहा होता है इकोनमी अप एंड डाउन हो रही होती है सो so बिजनेस आपका चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो वो घिरा हुआ होता है एक पूरे इकोसिस्टम के अंदर आपकी स्ट्रेटजी को एडेप्टिव होना चाहिए विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चेंजेस आती जा रही हैं आप उस पर नजर रखें बहुत जल्दी भी अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट ना करें बहुत जल्दी भी ना घबराएं और बहुत देर भी ना लगाएं अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने के लिए फिर उसके बाद स्ट्रेटजी के अंदर एक और चीज़ एक और इवेल्यूएशन क्राइटेरिया एंड दैट इज द फिजिबिलिटी आपको हमने जितनी भी स्ट्रेटजीज बताई थी कि आप डिफ्रेंसिएशन में चले जाएं या आप कस्टमाइजेशन में चले जाएं या आप जिसे कहते हैं कॉस्ट इनोवेशन की तरफ चले जाएं आप कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस कर लें वॉट एवर द चॉइस यू आर गोइंग टू टेक फॉर योर बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आपके पास उसकी एक फिजिबिलिटी प्लान होना चाहिए एंड बाय फिजिबिलिटी मीन्स यू शुड हैव ऑल रेलिवेंट रिसोर्सेज कि आप उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकें रिसोर्सिस के अंदर आपके पास फिजिकल नॉन फिज़िकल रिसोर्स भी आ सकते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज टीम आपके साथ काम कर रही है खास तौर पे फाइनेंशियल रिसोर्सिस बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट यू नो मेकिंग मनी सो अगेन आपके पास जो भी स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट की है क्या उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेशनलाइज करने के लिए आपके पास एक राइट right टीम है क्या राइट स्किल सेट है क्या आपके पास इतने फाइनेंशियल uh, रिसोर्सेज हैं कि अगर आप कहते हैं कि मुझे कॉस्ट नहीं मुझे डिफरेंशिएशन पे जाना है और एक सर्टन क्वालिटी को मैंटेन करना है तो वो सर्टन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्योंकि और भी सर्टन इवेल्यूएशन क्राइटेरियाज हो सकते हैं एंड दैट इज द एडवांटेज कंपेरेटिव एडवांटेज बल्कि हम ये कहेंगे सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज आपके जो भी की सक्सेस फैक्टर्स आपके बिजनेस के हैं आपके आप पास जो भी आपका कंपेरेटिव एडवांटेज है वो रेयर होना चाहिए बहुत जल्दी आपकी कंपेरटि आपकी कंपेरेटिव एडवांटेज जो हैं वो आपसे छीन ना सकें और आपका कंपेरिटिव एडवांटेज आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा शेयर दिला सके अब बात आ जाते हैं कुछ और चेकलिस्ट वो चेकलिस्ट आ जाती है कंपेटिटर्स के हिसाब से मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी स्ट्रेटजीज को री इवेलुएट करना चाहते हैं तो आप कंपेटर्स भी नजर रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल नंबर एक आपने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है चाहे वो डिफ्रेंसीशन की है या चाहे वो कॉस्ट के हवाले से है आपके इर्द गिर्द जो आपके कंपेटिटर्स हैं नंबर एक उनका रिएक्शन क्या था नंबर टू आप जब मार्केट में आ रहे हैं और एक सर्टन प्रोडक्ट या एक सर्टन सर्विस एक सर्टन कॉस्ट के ऊपर प्राइस के ऊपर ऑफर कर रहे हैं तो आपके कंपेटिटर्स ने क्या अपनी कोई स्ट्रेटजी आपके अगेंस्ट चेंज की है आपके कंपेटिटर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है हो सकता है आपने कोई एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हो और वो स्ट्रेटजी आपने इस रेफरेंस से अडॉप्ट की हो कि ये वीकनेस है आपके कंपैक्टर की सो इसीलिए आप इस प्रोडक्ट या उस सर्विस में एक सर्टन उस वीकनेस को एड्रेस करते हुए एक जो है वो सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और पता ये चले कि बाद में जो उनकी वीकनेस थी वो टेक्नोलॉजिकल के हिसाब से थी या उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही थी या प्रोडक्ट डिजाइन में कोई फॉल्ट थे विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने उन फॉल्ट्स को दूर कर लिया है और अब उनकी प्रोडक्ट आपको टफ कॉम्पिटिशन दे रही है लाइकवाइज क्या उन्होंने अपनी कोई स्ट्रेटजीज चेंज की हैं जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं उनके सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं सिर्फ अपनी नहीं उनके सक्सेस फैक्टर्स भी देखिए उसके अलावा क्या आपके कम्पैटिटर्स इस वक्त उनकी जो करंट मार्केट शेयर है क्या उससे सेटिस्फाइड हैं आपके जो कंपेटिटर्स हैं क्या आप उनसे रिटेलिएट कर सकते हैं क्या आप उनके साथ प्राइस वॉर में जा सकते हैं या आप उनके साथ कॉपरेट कर सकते हैं ये एक पूरी चेकलिस्ट है स्ट्रैटेजी की अगर आप इन सवालों के जवाब भी ढूंढे तो भी बेसिकली आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिइवेलुएट कर रहे होंगे अब बात आ जाती है कि अगर आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखना है उनको रिव्यू करना है उन उनपे कुछ कंट्रोल एंड मयर्स लगाने हैं तो आपके पास सर्टन रेशियोज होती हैं फाइनेंशियल रेशियोज आने वाली वीडियोस में हम आपको ये तमाम फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करना और पढ़ना सिखाएंगे एंड बीइंग एन ऑन्टरप्र्योर आपको ये सारी फाइनेंशियल रेशोज आनी भी चाहिए मिसाल के तौर पर आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे होंगे रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे होंगे अपने प्रॉफिट मार्जिन देख रहे होंगे आपका कितना मार्केट शेयर है आपका डेट टू इक्विटी और अगर इन केस अगर आपकी फ़र्म रजिस्टर है स्टॉक uh, एक्सचेंज में तो अर्निंग पर शेयर आपकी सेल्स ग्रोथ आपका एसेट ग्रोथ ये तमाम फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी बेसिकली कंट्रोल एंड मयर्ज में आते हैं अगर आपकी सेल्स आपके मार्जिन आपके जो टारगेट है उसके मुताबिक नहीं है तो भी इसका मतलब है कि आपको करेक्टिव एक्शन की जरूरत है अगर आपके एसेट्स बिकना शुरू हो गए हैं बजाय इसके कि आपके आपके प्रोडक्शन हाउस जो है उसकी फैसिलिटी बढ़ती इसका मतलब कि करेक्टिव एक्शन लेने का वक्त आ गया है अगर आपका मार्केट शेयर श्रिंक हो रहा है इट मीन्स आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है करेक्टिव एक्शन या चेंज इन स्ट्रैटेजी का टाइम आ गया है लाइकवाइज आप अगर अपनी स्क्रीन पे देख सकें हमारे पास ये एक और आप समझें कि एक फ्रेमवर्क है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कि क्या वाकई में जो हमने अपने लिए टारगेट सेट किए थे हम उन टारगेट्स के अकॉर्डिंगली अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एग्जाम्पल है बैलेंस स्कोर कार्ड की मिसाल के तौर पर आपने कस्टमर्स में अपने एम्प्लॉइज़ के हवाले से अपने ऑपरेशनल ऑपरेटिव या आपके जो प्रोसेस इनोवेशन वगैरह हैं उसके हवाले से इसी तरह अगर आप लार्ज फर्म है या ख़ास तौर पर आप केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपकी जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस हवाले से बिजनेस एथिक्स फाइनेंशियल जिस भी एरिया में आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं आप देखिए कि आपने उन ऑब्जेक्टिव्स को मैयर कैसे करना है क्या आपके पास टारगेट थे आपने किन किस टाइम लाइन के अंदर उन टारगेट्स को अचीव करना था किसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और क्या आप उस ट्रैक पर मौजूद हैं या नहीं हैं जो अच्छे बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं जब आप उनके पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके पास इस तरह के मल्टीपल टूल्स होते हैं जिन टूल्स को वो इस्तेमाल करके अपनी एवेलुएशन कर रहे होते हैं लाइक वाइज बहुत से एंटरप्राइजेस जो हैं उसमें जो ऑन्टपन हैं वो अपना पॉलिसी ऑडिट करते हैं अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ऑर्डर करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अप्लाई किया जा रहा होता है ह्यूमन ऑडिट किया जा रहा होता है खासतौर पर वो जिनकी इंडस्ट्रीज में ह्यूमन ईशूज ज्यादा होते हैं बहुत से आई एस ओ स्टैंडर्ड्स हैं आप जो ह्यूमन ऑडिट के ऊपर आ रहे होते हैं कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग खासतौर पर विच आर एक्सपोज टू द केमिकल्स किस तरह काम कर रहे हैं किस हालत में काम कर रहे हैं तो आपको वो ऑडिट करना पड़ता है तो सोशल ऑडिट किया जा रहा है ह्यूमन ऑडिट किया जा रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही चले कि आप तो अपना केमिकल का बिजनेस कर रहे हैं और इर्द गिर्द जितने भी कंपैक्टर्स हैं वो उस एक आपके उस एक प्रोडक्शन हाउस से तंग है या आपकी वजह से वहाँ का पानी कंटेमिनेट हो रहा है या आपकी वजह से वहाँ की जो एन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो रही है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी इग्जाम्पल्स जो हमने आपसे शेयर की हैं ये सारी एग्जाम्पल्स बेसिकली आपके बिजनेस में आपको किस तरह से हेल्प कर रही होंगी कि अगर आप अपना आइडिया शुरू करने वाले अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं यू तो आर एट द स्टेज ऑफ आइडिया कंसेप्शन वहां से लेकर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तक आप बार बार अपनी जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ जो आपने अडॉप्ट की हुई हैं जितने स्टैंडर्ड्स प्रोडक्शन के आपने अपने लिए सेट किए हुए हैं जिन जिन भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो आप फॉलो कर रहे हैं इन सब को आपको बार बार टाइम एंड अगैन रीविज़िट करना पड़ेगा और जहाँ जहाँ आपको एरियाज नज़र आएंगे अपने वीकनेसेस के उन एरियाज को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा वायल टेकिंग करेक्टिव एक्शन सो दिस इज द इंटायर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस अगेन विद द लेंस ऑफ ऑन्टोरशिप अच्छा अब कंक्लूजन ये है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इस पूरे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस को विदेंस ऑफ ऑन्टप्रन्योर किस तरह से देखना है पर्पज ये था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगेन आप जिस तरह से हमने डिस्कशन ओपन की थी तो हमने कहा था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस के अंदर और वहीं पर ये सारी स्ट्रैटीज और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग्स और करेक्टिव एक्शंस और ऑडिट्स वगैरह चल रहे होते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वहाँ पर भी ये तमाम के तमाम मैटर्स इतने ही क्रिटिकल होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है यानी बड़ी में ये बड़े पैमाने पर हो रहे होंगे छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ये छोटे पैमाने पर हो रहे होंगे लेकिन हो रहे होते हैं सो so, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ये आइडेंटिफाई होती हैं कि जब आप अपनी स्ट्रैटजी को इवेलुएट करते हैं अपने कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई हो सके प्रॉब्लमैटिक एरियाज उनके करेक्टिव एक्शन ले रहे हों तभी आप सस्टेन कर पाएंगे मार्केट के अंदर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो